अंधितनी क्या है सरोकार वाला आ सरकार के ध्यान पहुँचल बाटे की ना अपने के गांव के समस्या के ऊपर अपने के समस्या के ऊपर संबंधित निकाय से अभी तक कुछ पहल भइल की ना। कोरोना महामारी में अपने के साथ भोजपुरिया एफएम के कार्यक्रम जन आवाज समय संदर्भ आ जन सरोकार के विषय पर हर रोज संझिया 7 बजे जरूर सुनी कार्यक्रम जन आवाज एकमात्र रेडियो भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आरजे अरुण यादव के साथ जरूर सुनेम जनता की आवाज कार्यक्रम जन आवाज जन आवाज जन आवाज। नमस्कार, स्वागत बा आदरणीय श्रोता मित्र रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज साथ विश्व भर के साथ www.radiobhojpuriafm.com के माध्यम से अपने सब सुनतानी कार्यक्रम जनता की आवाज जनता की आवाज कार्यक्रम जन आवाज में अपने सबके स्वागत बा। कार्यक्रम के साथ में बनी हम प्रस्तोता आरजे अरुण यादव, कार्यक्रम में तकनीकी कक्ष सहयोग करतानी टेक्नीशियन मित्र श्री पूजन कुमार यादव जी। हर रोज संझिया 7 से 8 बजे तक अपने सभी कार्यक्रम सुनते आ रहल बानी। आज भी हमनी के अपने सबके रेडियो सेट पर उपस्थित बानी समसामायिक विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर, समसामायिक समय सान्दर्भिक विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करे के खातिर। अभी कोरोना महामारी के कारण से विश्व भर के अवस्था अस्त व्यस्त बाटे। अब नेपाल में भी कोरोना के कहर हर रोज तीव्र गति में बढ़ते जा रहल बाटे, कह के अपने सबके ई महसूस होखे लागल हो कि अब माहौल बनते जा रहल बाटे। एक के बाद दू, दू के बाद चार, चार के बाद हजार, अब मृत्यु होखे वाला के संख्या भी हर रोज बढ़ते जा रहल बाटे। आज एक दिन में नेपाल में थप 8 आदमी के मृत्यु भइल बा कोरोना वायरस संक्रमित लोग के, और 484 आदमी नया लोग में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे। ई ऐसन आज 24 घंटा में नेपाल में देखल गइल ह।
आदरणीय श्रोता, अब ई नेपाल में कोरोना वायरस के कारण से तो हमनी के कहतानी संक्रमित लोग के मृत्यु भइल बा, लेकिन यहाँ लोग के हिस्ट्री भी देखल जाओ तो मरे वाला लोग में से अधिकांश लोग पहले से ही 40-50 गो बीमारी से यहाँ लोग ग्रस्त रहनी, वैसन लोग में के काफ़ी लोग के मृत्यु भइल बाटे। ऐसा हिस्ट्री अगर देखल जाओ तो हकीकत बात भी कुछ ई बा, ओ में से बहुत लोग के हिस्ट्री अगर ठीक बाटे तो वहाँ लोग में वहाँ लोग के उपचार सही समय से डॉक्टर लोग के ना मिलला के कारण से मृत्यु भइल बाटे। ई चीज भी अपने सबके बुझे के पड़ी। हमनी के बहुत अब फोन सब मिलता लेकिन लोग मीडिया पर आवे से डरता। आइसोलेशन वार्ड के अवस्था के बारे में अपने सबके जानकारी होगी, सर सफाई से लेके खान पीन से लेके हर चीज के अवस्था दयनीय बाटे। आइसोलेशन सबके भी हम बात कहतानी अपने के, और पॉजिटिव केस वाला लोग जे घर में रहता नहीं वहाँ लोग मेसू साहेब के मदन उपाध्याय जी मेसू बानी नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल के वहाँ के लिखता नहीं हमनी के एगो सहकर्मी बानी पब्लिक के फेम के श्रीवास्तव वहाँ के नाम बाटे, और श्रीवास्तव जी के मैसेज, सर नमस्कार म कृष्णा श्रीवास्तव पब्लिक एफएम के पत्रकार बनी, और आज 10 दिन भयो मलाई पॉजिटिव भएको, अब महसूस भइराछ म निको भइसकेको छु भनेर, म कहिले रिकभर हुने, मेरो पीसीआर टेस्ट गराउनु छ, के गर्नु पर्छ, और उहाँ के लिखत नि आई एम इन अ मीटिंग कॉल मी लेटर, फिर बादों में कोई ले बानी तो वहाँ के ये चीज लिखता नहीं मदन उपाध्याय जी आई एम इन अ मीटिंग कॉल मी लेटर, मतलब ऐसा मीटिंगे में बानी अपने के मेसू साहेब मीटिंगे में रहता नहीं। पॉजिटिव वाला लोग के आज 10-12-15 दिन से वहाँ लोग अपना घर में बानी, लेकिन वहाँ लोग के महसूस होता कि हम ठीक हो गए बानी, लेकिन ठीक हो गई बानी तब रिपोर्ट के हिसाब से तो होके के पड़ल न, तो यहाँ लोग प्रतीक्षा में बनी कि अब दूसरा पीसीआर टेस्ट करावल जाए, अब एक रिपोर्ट से अगर निगेटिव आवता तो ढूक होके रहल जाए, तो वहाँ लोग अभी प्रतीक्षा में बनी पीसीआर टेस्ट कब हो, इस सब चीज़ के ले करके पॉजिटिव वाला लोग के अलगे पहले ही से एगो टेंशन बनल बाटे। आदरणीय श्रोता अपने सबके जानकारी होगी, आज से 2-3 रोज पहले जौन विष्णु लम्मा जी के उपचार ना भइला के कारण से अस्पताल समय भरना ना भइला के कारण से 20 वर्ष में जौन अल्प आयु में मृत्यु भइल वहाँ के लेकर के प्रदर्शन होत रहे वीरगंज में, और प्रदर्शन के दौरान ढूंगा मुड़ा भइल, और डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी के गाड़ी के शीशा फूट गई, और ई कारण अन्य अन्य और सब कारण से वीरगंज नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल के सभी डॉक्टर लोग मिल के सामूहिक राजीनामा देवे के आज 2 दिन पहले ही बात करनी, लेकिन इस समाचार मीडिया पर ना आई, वहाँ लोग वो भी 350 स्टाफ लोग बानी डॉक्टर लोग बानी नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में 350 आदमी सामूहिक राजीनामा देवे के खातिर आवाज उठैले रहनी संघीय सरकार से, लिखित ना वो मौखिक, ओकर समाचार आज मीडिया पर आइल बा, फेसबुक पर अपने सब देखले हो के, और एकर चर्चा पर चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रहा बाटे। आदरणीय श्रोता यहाँ पर जनता के अस्पताल में बिना भरला भैले मृत्यु हो जाता, ओकरा ऊपर ध्यान नहीं खे, अब तोड़फोड़ में अब तोड़फोड़ काहे भूल रहे, एकरा बारे में हमनी के कार्यक्रम संचालन कर चुकल बानी, सभी जनता के अब जानकारी हो चुकल बाटे, ई नया बात नहीं खे, अब तोड़फोड़ के भी एगो वजह रहे, और हम रिक्वेस्ट करें सभी जनता से ऐसा तोड़फोड़ वाला काम मत करी रहुआ लोग, आवाज़ उठाई मीडिया सब बाटे वीरगंज में, दर्जनों दर्जन टीवी चैनल बाटे, दर्जनों एफएम रेडियो बाटे, दर्जनों दर्जन यहाँ पर पत्र पत्रिका बाटे, अपने मीडिया के माध्यम से अपन आवाज़ सरकार तक पहुँचाई,
और इतना पर नहीं ही सुनत तो और भी उपाय सब बाटे जेकरा रउआ नेता बनैनी वोट देनी वहाँ लोग के घर घेरी सामाजिक दूरी कायम करके यह बात याद रखे। एक निष्कर्ष का हो कि अब जनता के बिना चेक जांच भैले मृत्यु होता इ संविधान के खिलाफ के बात बाटे। मौलिक हक अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी हक बाटे धारा नंबर 25 में ई व्यवस्था बा कि बिना उपचार को कुनी पनी जनता को मृत्यु होते न कह के इसे खोल के लिखल बाटे। ये जनता के स्वास्थ्य संबंधी हक के हनन भइल बा एकरा प्रति प्रशासन कार्यालय के संबंधित निकाय के आखिर ध्यान काहे न के पहुँचत। जनता वीरगंज में शांतिपूर्ण आंदोलन करेनी शांतिपूर्ण धारणा में बैठेनी तो वहाँ लोग के पुलिस प्रशासन ना सुनेनी ना पूछेनी आ दे धुना धुन 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 मारे के शुरू कर देवेनी। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के एसपी साहब के सीडीओ साहब के बात के अटेरी करे वाला निर्देशन के ना माने वाला मेडिकल माफिया लोग के काहे छूट दे रहा बनी इ तो सीधा हो गई सानो लाई एन ठूलो लाई चैन। अब इ कितना जनता बर्दाश्त करी जनता के जान से खेलल जाता काला 8-9 वर्ष के बच्चा मरल 20 वर्ष के मर यहाँ पर 7 आदमी के मृत्यु बिना इलाज के कारण से भइल बाटे। काल के बच्चा के पॉजिटिव ना बल्कि निगेटिव रिपोर्ट्स भी आयल वहाँ के रिपोर्ट्स आयल तो निगेटिव आई ऐसा अवस्था बा वीरगंज के। और दोसर बात अपने सबके एगो और जानकारी करा दी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बाटे इ नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल में वीरगंज महानगर पालिका के जौन एक घर एक परीक्षण अभियान चलत रहे ओमें का भइल बाटे अपने सबके हम जानकारी करा दी 1200 आदमी के टेस्ट टेकू यानी कि काठमांडू के सेंट्रल प्रयोगशाला में होके खातिर पठावल गइल बा और जौन किट बाटे उ किट के जौन किट सब किनल गइल बाटे महानगर पालिका के उ किट के केमिकल सब डुप्लीकेट बाटे इ केकरा के पॉजिटिव देखा दी या केकरा के निगेटिव देखा दी इ केहू नहीं के जानत। तो रउआ लोग चिंतित मत हो कि हड़बड़ाई मत कि अपने पॉजिटिव हो गई बानी या अपने के परिवार वाला लोग पॉजिटिव हो गई बानी। अब पॉजिटिव बानी वहाँ लोग के उपचार के लेखा चलता आइसोलेशन वार्ड से आज हमनी के बात करें मरीज लोग से मरीज तो नहीं की लेकिन वहाँ लोग मरीज अब रिपोर्ट आ गई कि अपने बीमार बानी तो बीमारे कहे के पड़ी ओकरा के पॉजिटिव केस वाला लोग के तो बीमारे कहे के पड़ी। वैसन लोग से भी कुछ बात करें वहाँ लोग खान पीन दवाई और वहाँ के अवस्था कैसन बा एकरा बारे में बहुत सारा चर्चा करें आज कार्यक्रम के माध्यम से। तो 1200 के स्वेब संकलन भइल रहे 27 गते 26 गते के दिन ओकरा के काठमांडू स्थित जौन केंद्रीय प्रयोगशाला बाटे टेकू लैब में ओकरा के चेक जांच करे के खातिर पठावल गइल बाटे नारायणी अस्पताल के स्रोत से हमनी के जानकारी भइल बा। आदरणीय श्रोता वैसा ही अपने के लूट तंत्र बरहम लूट भइल बा अपने के सिरहा नगर पालिका प्रदेश नंबर 2 में पड़ेला अपने सबके था होई सिरहा सप्तरी महोतरी रौतहट बारा परसा सरलाही धनुषा ये 8 जिला 2 नंबर प्रदेश में है। एगो समाचार फेसबुक पर बड़ी वायरल भइल बा वहाँ के सीडीओ साहेब जनता के मांग अनुसार सिरहा नगर पालिका के लॉकडाउन में यानी कि विपत व्यवस्थापन में या राहत सामग्री में कोरोना वायरस नियंत्रण में कितना खर्च भइल ओकर खर्च के विवरण मांगले बाटे सीडीओ साहेब सिरहा जिला के सिरहा नगर पालिका से। तो अपने सबके एकरा बारे में अब बहुत जनता के तो जानकारी हो कि रेडियो सुने वाला जनता बहुत बानी हमनी के फेसबुक ना चलावे नहीं वहाँ लोग के तो बतावे के पड़ी अपने के हम जानकारी करा दी तकिया बुझे नहीं रहुआ लोग तकिया सिरहनी कहल जाला गांव घर में ठेठ भोजपुरी भाषा में तो तकिया ना ओकर खोल कीने के खातिर एगो खोल के 2900 रुपया खर्च भइल बा सिरहा नगर पालिका के तनका ध्यान देम रहुआ लोग एगो तकिया के खोल के
2900 रुपया 111 गो तकिया किनले रहे सिरहा नगर पालिका के मेयर कहिया जनप्रतिनिधि लोग जौना में खर्च भइल बा 3,19,275 रुपया। समाचार पर तनका ध्यान दे अपने सब दू नंबर प्रदेश के बानी आई हमनी के अपनहू के गांव में ऐसा के होई रउआ लोग आवाज उठाई सीडीओ साहब से अपने अपना वार्ड में के लेखा कथी में कितना खर्च भइल बा समाचार पढ़े के मतलब ही ना कि रउआ लोग के कह देनी सुन के भोर पर आ जाए समाचार में आ गई बा। अब कार्यक्रम में हम काहे कहता नहीं तो रउआ अपना नगर पालिका के बारे में खोजी करबई रउआ अपना पालिका के बारे में ऐसा कोना विषय में कितना खर्च भइल बा आवाज उठाई अपने लोग भी पर्दाफाश होके के पड़ल पारदर्शिता होके के पड़ल तकिया के खोल में 111 थान तकिया के 3,19,275 रुपया खर्च भइल बाटे सिरहा नगर पालिका में। आ तकिया में कितना भइल बा उहो बता दी अपने सबके तकिया सिरहनी 511 थान तकिया में 2,08,950 रुपया खर्च भइल बा। वैसा ही अपने सबके हम जानकारी करा दी ताना ताना के मतलब जाजिम होला जाजिम बाटे 558 थान जौना में खर्च देखावल गई बाटे 11,000, 10,000, 10,00,000, 45,03,775 रुपया। तो ई अवस्था बा ताना के मतलब जाजिम एगो जाजिम के दाम पड़त 8,000 रुपया। अपने सब जोड़ घटाव कर सकतानी 8,000 रुपया के जाजिम। अब बताई इस सिरहा नगर पालिका आखिर का समझले बाटे और ये अपने के वार्ड में अपने के पालिका में भी अपने सबके ध्यान पहुँचे के पड़ल तकिया के खोल के 2,800 रुपया आ जाजिम के 8,000 रुपया मूल्य देखले बा बिल बना के सरकार से पैसा खोले बा। बताई ऐसा जनप्रतिनिधि लोग के का होके चाही का होके के चाही अब जनता से हमनी के पूछेम रउआ लोग खुद से सोची तो ई अपने के दू नंबर प्रदेश के अवस्था बा। मार्क्स के बात कर ली ई सिरहा नगर पालिका में ई वीरगंज महानगर पालिका बाटे इहो इतना पॉपुलेशन नहीं है जितना ई सिरहा नगर पालिका में मार्क्स संख्या वितरण भइल बा। यहाँ पर देखा बताई लोग 87,575 गो मार्क्स वितरण कैले बा और ओ में खर्च देखावल गइल बाटे 20,02,997 रुपया 20,00,000 तनका ठीक से गोन लेबे दिए काइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,000 20,02,927 रुपया। ये जब हम पढ़े नहीं तो कबो कबो हमू कन्फ्यूजन में पढ़ जाए नहीं पढ़े खातिर तो मास्टर डिग्री हमू कैले बनी या मैथ से कैले बनी हो लेकिन जौन धाम जो देखे नहीं तो हमनी 500,000 रुपया बुलाए वाला आदमी यहाँ पर 20-20 लाख के बात होता मार्क्स में इतना पैसा खर्च भइल बाटे। अपने के वार्ड के अवस्था का भाई रउआ लोग जबले ना भंडाफोड़ करवावे के चाहे तबले ही जानकारी ना होई नीचा से ऊपर सब सेटिंगे में बा जनता के खून पसीना से बहावल टैक्स के पैसा ये लोग सही भोज भतेर करके खा जाए रउआ लोग बउआते रह जाए। यहाँ पर गरीब लोग के दाल चाउर तरकारी के बिना बाल बच्चा लोग भूखे टुगरा नियन ताकत रहता ऐसा अवस्था हो गई बा वीरगंज महानगर पालिका के जनता के। गांव के बात छोड़ दी आज 20-21 दिन से यहाँ लॉकडाउन बा 10 गोते से 20-21 दिन में अभी तक एको किलो चावल कोनो नेता कोनो अपना जनता के वितरण नहीं है कैले ये नेता लोग बानी 300 के भेस्ट एक आदमी के 4-4 गो बाँटले रहनी आज 10 रुपया के मार्क्स बांटा तानी तो लाखों लाख के बिल यहाँ पर पेश भइल बा बड़हम लूट बड़ा पाप लागी लोग के इतना ज्यादा पाप। ऐसा बहुत साबुन में ही नगर पालिका के खर्च देखावल गई बाटे 51,00,000, 10,00,000 1,72,195 रुपया के साबुन बटले बनी लोग। पीपी सेट के बात कर ली 9,18,491 रुपया के
आदरणीय श्रोता, ई हम सिरहा नगर पालिका के बारे में बतैनी है। दू नंबर प्रदेश में पड़ेला, दूसरा जगह नहीं थे। बेड में ऐसा के सब बाटे फेसबुक पर डालल बार वो लोग देख लें, तनिका बेडों के बारे में बता दी। ई लाखों लाख हमनी के गने के पड़ता, वही से अपने लोग के तो बतावे के पड़ल। बेड में खर्चा भइल बा 349 गो बेड में 25,94,000 रुपया। 25,94,000 रुपया खाली बेड में खर्च देखावल गइल बा। विद्युत सामग्री खरीद में 1,56,600। बाप रे बाप, ई सब ई देखावो तनी बताबो तनी, ई सब बाटे अपने के सिरहा नगर पालिका के बिल भाउचर ऐसे पेश भइल बा। अब अपने के वार्ड में की लेखा कितना खर्च भइल बा, ई रउआ मांगी एकर हिसाब किताब, तबे पता चली, ना तार वो लोग के पतो ना चली। जमा खर्च इ नगर पालिका जिला स्थित कोविड संरक्षण नियंत्रण समिति के 5,90,89,430 रुपया के खर्च देखले बा, यानी कि 6 करोड़ रुपया खाड़ी कोरोना वायरस में। ई अवस्था बतैनी है हम सिरहा नगर पालिका के बारे में। अब अपने लोग अपना अपना नगर पालिका गाँव पालिका के नगर प्रमुख से हिसाब मांगी, नहीं खे देत तो फिर रउआ सीडीओ साहेब के फोन करी। परसा जिला के सीडीओ साहेब के नंबर बा 98550 7777 7 98550 5 7 98550 7 7 7 7। हमनी पत्रकारों लोग के नंबर ना उठावे नहीं सीडीओ साहेब, कहियो सीडीओ साहेब के इंटरव्यू कोनो चैनल पर रउआ लोग ना सुन लो के। लेकिन हर एक जनता के मैसेज जाई एकर दबाव, यहाँ लोग के पता चली सरकार के कर्मचारी बानी सीडीओ साहेब जिला के प्रमुख हो के नी, अपने के मैसेज से वहाँ के पता चल जाई कि परसा जिला के जनता जाग गई बानी। अब ना छोड़ी सीडीओ साहेब के सरुआ भी हो गई, अब आवे वाला सीडीओ साहेब के ई मैसेज पहुँची तो वहाँ के शायद ध्यान हुई। आदरणीय श्रोता, ये सब अवस्था हम बतावत तनी अपने के दू नंबर प्रदेश। अब हमनी के थोड़ा भारत के बारे में भी बता दी, तब अपने के फोन जोड़ेम कार्यक्रम में। भारत में काल एक दिन में थप 61,252 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बा। 835 आदमी के कोरोना वायरस से मृत्यु हो गइल बाटे काल एक दिन में। अमेरिका में 1,504 आदमी के काल एक दिन में मृत्यु भइल बा। 54,519 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बा। अब ब्राजील में 1,242 आदमी के मृत्यु भइल बा काल एक दिन में। 54,923 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बा काल एक दिन के। ई समाचार बतैनी अपने सबके। आदरणीय श्रोता, नेपाल में 8 आदमी के आज मृत्यु भइल बा। 484 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे। नेपाल में जमा संक्रमित के संख्या अब 24,432 हो चुकल बाटे। 91 आदमी के जमा मृत्यु हो चुकल बाटे। 16,728 आदमी कोरोना वायरस से जीत गइल बानी। 7,613 आदमी के इलाज अभी आइसोलेशन सब में चलता, बहुत लोग घर में बानी। ऐसन अवस्था अपने सबके हम जानकारी करैनी है। आदरणीय श्रोता, अब अपने जनता के नंबर खुला करता नहीं, जनता से बात करें, तब हमने के कुछ पेशेंट लोग से बात करें। 98,03,65,03 जनता के खातिर नंबर बा। नमस्कार, हेलो, माफ करें फोन कट गई बाटे, के श्रोता रहनी हमने के साथ में 98,03,65,03 के माध्यम से आम सर्वसाधारण जनता के कार्यक्रम में जोड़ेम। और साथ ही साथ अपने सबके कोरोना वायरस विरुद्ध के लड़ाई में के लेखा लड़े के पड़ी, एकरा बारे में भी हमनी के बताएं कार्यक्रम के माध्यम से। जी नमस्कार, ओहो माफ करें फोन कट गई बाटे सिपूजन जी। अब ने कुछ पेशेंट लोग के जोड़े के प्रयास करी, वहाँ लोग के नाम हमनी के गोप्य रखें, लेकिन जे व्यक्ति से बात करें वहाँ लोग आइसोलेशन वार्ड से ही होखी। हमनी के सीधा
उ लोग से बात करे के चाहेम, अपने सबके बतावे के चाहेम कि आइसोलेशन वार्ड के अवस्था कैसन बा, वहाँ लोग के की लेखा इलाज चलता और की लेखा कोयला से हमनी के बाँचल जा सकता। सिपूजन जी, वीरगंज के आइसोलेशन वार्ड सब के ओर अपने नंबर मिलाई। आदरणीय श्रोता, कोरोना वायरस से डरे के नहीं है, लेकिन सावधानी अपनावे के बाटे। और वह लोग पीसीआर टेस्ट के खातिर हड़बड़ाई भी मत, जब तक लक्षण नहीं दिखाई पड़त अपने में तब तक शौक से मत जाई पीसीआर टेस्ट करावे। अपने सबसे एगो निहोरा बा हमर। नमस्कार। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत बा भोजपुरी एफएम के कार्यक्रम में। अपने के सभी जनता सुन रहा बानी अपने के। जी धन्यवाद सर। जी अपने कोरोना पॉजिटिव एगो पीड़ित बानी, एगो मरीज बानी। अपने आप के कबो लागल कि ना हम मरीज बानी कि ना के लेखा अपने के अवस्था? अभी अभी अपने के इलाज कहाँ आइसोलेशन में चलता या कैसन बानी अपने? जतन का जनता के बताई जे लेखा अपने के साथ हो रहा बा सत्य या तथ्य अपने बताई था। जी हम शुरू में 8 गते से हल्का हमरा आँख मूर दोनों दुखा सर। 8 गते के? 8 गते हमरा आँख आ सिर्फ मूर मतलब टाव को ये बहुत बिजोर से दुखा। सर्दी हो गए तो हम पानी में जोड़ी थे, मेघो बरसित रहे पानी में भिजल हल्का बुखार आ गए। तो हमारा मन में हो गए अब डर की मतलब कोरोना वायरस के लक्षण तो ना हक आके हमारा हो गया डर लागे। बाद में फिर हमारा अपने के देह हाथ खूब लागल दुखाए ऐठन हो गया देह हाथ बिजोर। तो हम क्या कर 13 गते सर पीसीआर चेक करे, ये पीसीआर चेक कर लिए बाद में 13 गते कहली तो हम 17 गते रिपोर्ट आये सर। 17 गते आये तो पॉजिटिव देखा दे। तो हम बहुत अपने आप के नर्वस हो गए कि अब हमारे ही कथी हो गए, हम अब कोना कारण से हो सफल है अब वायरस लागल तो ठीक है बा कोना कारण तीसरा माध्यम से लागल हम सस्पेंशन में हो गए। अब एक बात में क्या हो जाए कहा कि हमारा डर ये डर हो गए तो हम तो फोन कहली डॉक्टर साहब लोग फोन कहली कि अपने आइसोलेशन में कोरोना पॉजिटिव हो गए बड़ी डेराई मत अपने दवाई अब चाहे तो अपने होम आइसोलेशन में बैठ सकिले वा अपने तो हम तो हॉस्पिटल में भी अपने हो सकिले वा अपन तो हम तो कौन ऐसा सार्वजनिक आइसोलेशन में भी रह सकिले। तो हम बोले कि ना सर घरे सब समस्या हो जाए तो हम क्या करें कि अब हम घरे न कह के हम आइसोलेशन में रह कह के हम आइसोलेशन में यहाँ 18 गते हम अली सर आइसोलेशन जी। और बाद में अब अली था अब यहाँ तक कौन ऐसा दवा चाहे कौन ऐसा हम पारासीटामोल तक भी यूज देखी कहले सिर्फ खान पीन पर खान पीन पर खाना पीना पर ध्यान दिले बड़ी और बाद में शरीर पर एक्सरसाइज पर ध्यान दिले बड़ी उतने से हमारा बुझाई थी रिकवर हो रहा बड़ी वा हो गिल बड़ी भी कह सकते हम। अच्छा 18 गते से अपने आइसोलेशन में बनी कब से अपने के आराम बुझाता? कितना दिन से लगभग बुखार सर्दी जो सिम्टम सब रहे कोरोना वायरस के लक्षण सब वो लक्षण अपने के देखावल बंद हो गए यानी कि वो ठीक हो गए नहीं महसूस हो गए? जी हमरा 18 गते आइसोलेशन में अली तो हमरा 22 गते बुझाएल कि 22-23 गते बुझाएल कि हम कुछ रिकवर हो रहा बड़ी 22-23 गते मतलब 22-23 गते से वो ठीक बनी जी हमरा महसूस भेल कि अब ठीक हो रहा बड़ी कह के। कोना आइसोलेशन में बानी अपने बतावे के चाहता नहीं आइसोलेशन के नाम खाली? जी माफ कर लो हमें बाद में बताम जब हमें। चलिए धन्यवाद। और अपने कुछ पूछे हम अपने से कौन कौन दवाई खैनी अपने कोनो ऐसा दवाई खैनी? ओते बने शुरू में भेल सर तो हमें वो दवाई जब मूड दुखाल तो पैरासिटामोल खैली एगो डोलोपार ओकरा बाद में डोलोपार खैली ओकरा में एगो साइटो कौन एगो बागे राइटो सेफ का दो ना यूटी सेफ एंटीबायोटिक रहे सर यूटी सेफ खैली ओकरा साथ में ओकरा बी कॉम्प्लेक्स खैली 7 दिन लगातार खैली ओकरा बाद में छोड़ देली। पहले हम ओती को नहीं हमरा बुझा कि वायरल ज्वर हो हमरा मतलब न बुझा हमरा मन में डरो रहे कि हम कोरोना पॉजिटिव कोरोना तो नहीं थी ऐसे भी बारिश के टाइम रहे तो हो सके वायरस ज्वर हो सकले तो हिसाब से हम खाली एगो यूपी से टेबलेट खेले एंटीबायोटिक ओकरा संगे एगो डोलोपार बुखार रहे तो डोलोपार खाई ओकरा बाद में एगो बी कॉम्प्लेक्स खैली ओकरा बाद में आइसोलेशन में आला के बाद में हम एगो पैरासिटामोल तार नहीं खाई।
मतलब आइसोलेशन में गईला के बाद में कोनो दवाई नहीं खेले जी, कोनो दवाई मतलब जोन दवाई के नाम बतानी है, पैरासिटामोल, डोलोपान, यूनिसेफ या बी कॉम्प्लेक्स, ये सब का अपने 18 गोते आइसोलेशन में गई नहीं, उससे पहले ही से मतलब उससे पहले ही खेले बनी सब दवाई अपने जी, 8 गोते से हमरा ये सब समस्या भेल, हम 9 गोते किंग के एंटीबायोटिक खेली, 9 दिन के बाद में 9 दिन तक कभी गले 6 दिन 7 दिन तक हम एंटीबायोटिक खेली अपना मन से कोनो डॉक्टर के राय सलाना हमरा मन लगे वायरल ज्वर हो सकल के हिसाब से हम खा लेली लेकिन आइसोलेशन में आयला के बाद में हम एगो पैरासिटामोल डॉक्टर लोग से भेंट घाट कबो भइल बाटे कि ना अपने के जी ना एको बेर ना फोनो संपर्क में फोन पर भी संपर्क नहीं है डॉक्टर लोग से जी ना एको बेर तो शुरू में जब आइसोलेशन में रहुआ भरना भइल शुरू में तो फोन उन कहले रहनी रहुआ कुछ अपना ओर से कहले रहनी कि डॉक्टर लोग उन्हें से कहले रहनी डॉक्टर लोग अपने मन से कहले रहनी डॉक्टर लोग से एक बार बात भइल बा डॉक्टर साहब एक बार फोन करके अपने के काथी कहनी वहां के कि अपने कोरोना पॉजिटिव बारी अपने ना आते कहां बारी जहां रही सुरक्षित रहे हमने के गाड़ी पिठावत नहीं अपने के आइसोलेशन में वहां अपने के इच्छा होम आइसोलेशन में भी रह सकिले ना ना अपने के 17 ही गते के बात बाटे जब रिपोर्ट आई वही दिन के बात बा ना जी 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 आइसोलेशन में जब रुआ भरना हो गई नी गेट पर प्रवेश कर देनी ठीक बा ओकरा बाद में कबो फोन आइल बाटे कि ना रुआ कबो फोन कइले बानी कि ना जी ना हमरा समस्या ना भेल हम ना फोन कइली अब लोग के कोनो चांस ना भेल तो लोग ना फोन कइले मतलब वहां लोग भी फोन ना कइनी रुआ भी ना कइनी ना कुछ तो कहले होई अपने के भरना होके से पहले भरना होके से पहले तो कुछ कहले हो कि नु कि अपने के कोनो समस्या होई त इतना नंबर पर फोन करन ऐसा कोनो तो बा वो तो कहले रहनी कि समस्या होके हमरा के संपर्क करम हम अपने के तुरंत मतलब कोनो समस्या हो तो समस्या का समाधान कर मतलब ये आश्वासन मिलल रहे अपने के जी 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 वहां लोग ना कहनी कि फलना फलना दवाई खाई या खान पीन हैसे ऐसे खाए के बाटे जी ना वो लोग कोनो सलाह ना भेल सिर्फ कलन खाली अपने के समस्या होई तबे हमरा के फोन करे समस्या होई तबे फोन करे फोन करे हां कोनो दवाई ना खइनी पैरासिटामोल सब छोड़ देनी घर ही अपने वो सब छोड़ देनी घर ही बुखार लगली रहे सर दर्द करते रहे सर्दी भी महसूस सर्दी भी अपने के फिर भी दवाई कोनो ना खइनी ना कोनो ना खाली बात बता जी 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 हां काथी खइनी खाना हां कथी बाकी सर अपने के एके पर हमरा ही साथ से कोरोना वायरस से कहिसन ए बुझा ले कि बड़का कोनो अपराध कर लेले बड़ी बात ना खोले कि कोनो जानवर रोड पर मर गेल मा कोई जत नाक दाब के लोग जाले बोले खै बुझाई दे जोन जोन पॉजिटिव बा बोले खा भी नॉन पॉजिटिव वाला लोग जोन व्यवहार करे जा उते के दुखदाई बात बा उ सब ना करे पर कथी बाकी उहो मानव बा हम मानव बाड़ी आखिर उनका रहे में सर्गल बयान हमरो में सर सकली कोनो बड़का भारी बात नहीं है ना लेकिन फिर भी ई डेंजर हो बाटे कह के लोग में प्रचार प्रसार भइल बाटे तबे तो लोग डरता है गलत बा सर एकर तो बहुत प्रचार प्रसार एकर हमहू कइले बानी अब हर जगह से प्रचार भइल कि बहुत डेंजर बीमारी बा हां लगला के बाद में का होई मतलब ऐसन प्रचार प्रसार प्रचार के कारण से डर तरास कुछ ज्यादा ही लोग में बन गई बाटे जेकरा कारण से आज अपना घोरे में लोग अब क्योंकि पॉजिटिव हो जाता तो ओकरा से अब सब मतलब दूरिया बनावे के या फिर जैसे कि अपने आप के बचे के बचावे के बारे में सोचे लागता या जिन लोग के होखता वो लोग खुदे चाहता कि भाई अब तो हम पॉजिटिव हो गए नहीं हम तो जेबे करम परिवार से का ये में लेके जाई हनु तो रउआ के भी ऐसा महसूस भल होई कि क्या बाल बच्चा सबसे अब दूर रहे के पड़ल अपने रहो के एगो कारण पता लगावे के पड़ो सर जैसे अब तनका से पहले एकरा से बचे के बारे में अपने ठीक कैसे भइनी कथी काथी खइनी खाना में कौन कौन चीज मिलल अपने के आइसोलेशन वार्ड में खाना के बारे में तनका बताई सभी जनता के बतावे के पड़ेली सब हकीकत चीज के एगो बात हम पहले फिर हम पॉजिटिव भेली तो एगो पहिले का बात छूट गेल खैर कोनो बात नहीं के हमरो भी डेढ़ा बा बीरगंज में तो हम 10-12 दिन कोठा में रह गेली तो घर परिवार भी पॉजिटिव बा अच्छा घर पर वो लोग भी टेस्ट ना भेल तो कोनो अथी से टेस्ट ना भेल हम जब पॉजिटिव हो गए तब लोग आश्वासन देली कि हम पॉजिटिव बाड़ी हम सब गोड़ा एक गोड़ा घर में बाड़ी एक गो रूम बा बाथरूम में एक बा टॉयलेट एक बा हम जब हो गए तो कोनियो 100% बाड़ो वो में कोनो दू मत के बात नहीं के टेस्ट के हिसाब में ना डॉक्टर को वो संपर्क में वो लोग के आयल ना कोनो ऐसा वार्ड नंबर 11 पड़ल सर मूर्ति चौक ना में कोनो डॉक्टर साहब लोग गे लग एक बार गेबो कल लोग मतलब अपने के घर पट्टी के अभी तक चेक नहीं के भइल जी चेक हो गेल तो घर पट्टी साहब के बारे में पॉजिटिव अच्छा घर पट्टी साहब लोग भी पॉजिटिव बनी अपने के परिवार के अपने के परिवार जैसे कि यहाँ बाल बच्चा लोग और पत्नी अन्य लोग भी बनी वहाँ लोग के चेक भइल की ना अब चेक भइल ही नहीं
नहीं है सर, एके घर में सुते के बाद खाए के बाद रहे के बाद परिवार बा कहे के मतलब कि हम पॉजिटिव हूँ तो नॉन पॉजिटिव का थोड़ी हो सकल, वो भी पॉजिटिव हो सकल है। 100% बढ़ले बा हमारा खोखी जौना दिन हमारा खोखी सर्दी भेल तौना दिन ओहो लोग भेल, जौना दिन हमारा बुखार रहा तौना दिन जौन मतलब जौन सिम्टम हमारे में बा वो सिम्टम ओहो लोग में देखा दे। तो घर परिवार के लोग बिना चेक करैले अपना घर में अभी तक बानी इतना दिन से लगभग 13 गोते 8 गोते के रहुआ पीसीआर टेस्ट 13 गोते के करैनी। आज 13 गोते कितना दिन हो गए जोड़ी तो 8 14 15 16 दिन हो गए, 15 16 दिन से वहाँ लोग के अवस्था कैसन बा, वहाँ लोग के सर्दी बुखार ठीक भइल कि ना? अभी जौन हम सिस्टम में बारी वही सिस्टम में वो लोग राय सलाह दिले वो लोग से वही लगा करवाइले वो भी लोग अभी ठीक बा, वहाँ लोग भी ठीक बा। चलिए बड़ा खुशी लागता अपने से बात करके, आप सब चीज़ अपने सही सही बतावता नहीं, अपना परिवार के लोग के भी ठीक करता नहीं, रउआ भी ठीक होता नहीं, शुभकामना बाकी रउआ लोग जल्दी ठीक हो कि और ठीक भरले बानी, एमें टेंशन लेवे के बात नहीं है। सर अपने के खान पीन कथी कथी खाए नहीं वहाँ पर कथी मिलेला खाए के अपने के खाना में? सहयोग कर रहा बालन उनका के बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर, बुझलिए। वो बेचारा सवेरे अपने के 8 बजे अपने के सवेरे बिछावना पर सबसे पहले 6 बजे उठी ले, 6 बजे उठे नहीं अपने? 6 बजे उठे, उठला के बाद में 1 घंटा ना तो 45 मिनट आधा घंटा एकदम मजा से कूद फान करके मतलब एक्सरसाइज करके पसीना चुहा दी वही रूम में, जो ना रूम में बनी वही रूम में मतलब व्यायाम करे नी कसरत व्यायाम करे ले आधा घंटा से 45 मिनट कम से कम आधा घंटा करे ले सर। अच्छा जी 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 बाद में आधा घंटा कैली बाद में अली तो कपड़ा उपड़ा खोली स्नान करी, स्नान करला के बाद में अपने 8:30 बजे आ जाये दूध आ जाये रोटी आ जाये अंडा आ जाये तरकारी आ जाये उमे एगो केरा चाहे एगो सेव रहे। एक मिनट, दूध रोटी? दूध आ जाये रोटी आ जाये अंडा आ जाये तरकारी आ जाये ओकरा बाद उमे एगो केरा चाहे एगो फल मतलब सेव हो। अच्छा तरकारी सब बढ़िया मिलत अनु खाना में? एकदम सेव में दिक्कत नहीं। ओकरा बाद में सर ओकरा बाद में अपने के तरकारी कथी आलू आलू है तरकारी खानी या जी? ना 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 परोर के आवले कभी कभी आलू की आई कभी भिंडी की आई कभी झूड़ा की आई कभी चिवनी की आई जी, जी धन्यवाद। ये चीज हम ऐसे कहता नहीं कि बहुत लोग ऐसे शंकास्पद व्यक्ति बानी घर में अपना और वहाँ लोग के मने मने डर बाकी हम नहीं तो डॉक्टर के पास में हैली नहीं की जी, तो यही से चीज के अपने से हम क्लियर करते जाने के चाहता नहीं, जनता के बतावे के चाहता नहीं जी जी जी। ओकरा मतलब 8:30 बजे नाश्ता आ गई अपने, नाश्ता अब खा लेनी ओकरा बाद में अपन मन करे तो आराम करू, मन करे तो सोचू, चाहे मन करे तो बैठू। ओकरा बाद में 12 बजे अपने के 12:30 में खाना आ जाये। खाना में आ जाये अपने के कोनो दिन अंडा आई, कोनो दिन मुर्गा के मांस आई, कोनो दिन मछली के मांस आई, कोनो दिन तरकारी आई, कोनो दिन मतलब वो में बदल बदल के आई दाल भात के संगे तरकारी और मांस मछली मांस मासु मांस खा ले मांस मुर्गा मांस खसी के मांस। अच्छा जी 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 दो किस्म के तरकारी आई अब जो दिन ओकरा बाद में तरकारी भेल चाहे कोनो सन हो गेल मतलब जनरल खाना के संग मासु डाल दी कि हमनी के इम्यूनिटी पावर बढ़े, हमनी के प्रोटीन युक्त खाना पर विशेष करके पोषण युक्त खाना पर ध्यान देवे के बटे जी। ओकरा बाद में सर उ खा लेला के बाद में 12 बजे खाना हो जाई, 1 बजे ले खाना हो जाई, ओकरा बाद में 4:30 बजे खाली फिर अपने के आई सर दूगो केरा आ जाई सर दूगो सेब आ जाई ओकरा बाद में नाश्ता में फिर मिलेला अपने के बगल में रेडियो बजता सर, साथी लोग के कही तन के रेडियो के साउंड कम कर देवे के जी 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 हाँ अब... हाँ तो बात हो गए सर ओकरा बाद में सर नाश्ता हो गए ओकरा बाद फिर खाना अपने के आई सर रात के 8 बजे खाना फिर जी तो में रही दाल भात तरकारी रही सर क्योंकि तरकारी रही एक दिन मतलब स्टॉप करके एक दिन दो दिन स्टॉप करके अपने के अंडा मांस मासु मछली का मासु मुर्गे का मासु तरकारी भी चेंज हुई जी जी जनरल खाना के संगे मांस ओकरा बाद में मासु रहेला जी 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 ओकरा बाद में व्यक्तिगत रूप में
संस्था के रूप में सर बुझलिए जी 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 व्यक्तिगत रूप में हम अपना मन से जे भी लोग खाए जैसे हम सूते नहीं कितना बजे रहुआ सूते नहीं कितना बजे सूतने 10 बजे कबो 10:30 बजे कबो 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे सूत जाने जी 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 अब व्यक्तिगत रूप में हम अपना मतलब सब के हुए में अपना अपना हिसाब से लोग खा ले केहू सवेरे उठी तो खाना पी ले रही खाना खाई केहू अंडा उसीन के खाई केहू मतलब फ्रूट उरूट खाई अपन मतलब अपना अपना हिसाब से जरा आप जैसा पैसा दे लो अनुसार से खलक लोग सब केहू लोग अपना अपना हिसाब से खलक वही नाश्ता के साथ अपना हिसाब से जाला कहाँ से अपने लोग के पास अपना हिसाब से अपना घर से मंगावे पड़े घर से केहू लेके जाए नी वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में मतलब वहाँ पर केहू गेट कीपर बानी वहाँ के दे देवे ना, ना गेट कीपर नहीं की वहाँ के फोन करें कि हमरा सामान चाहिए तो साथी लोग ना ओखले साथी तो साथी के माध्यम से चल गेट पर लोग छोड़ दी फोन कर दी की सामान गेट पर पुगल बा ऊपर से उतर के नीचे से गेट खोल के अपन सामान निकाल दे जी 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 ओकरा बाद व्यक्तिगत रूप में अब जथी खाई अपने एक एक में अपने बुझ जाए सर कोरोना कोनो बड़का भारी बीमारी नहीं के बीमारी बड़का भारी केकरा लबा से जैसे टीबी वाला भेल पोक्सो के समस्या वाला भेल दमा के समस्या वाला भेल अन्य अन्य बीमारी से ग्रसित बने चाहे पहले ही से बीमारी से एकदम ग्रसित बा ओकरा समस्या समस्या बा उ आदमी के देखा चलिए बहुत बढ़िया आपने बता रहल बानी अब पानी के लेखा पिए नी लोग यहाँ पर चर्चा चल रहल बा पानी के दूध में बेसार यानी की हल्दी डाल के पिए के पिए और साथी लोग वो भी पी ले ठीक बा दूध में हल्दी डाल के जी दूध आवले सवेरे जैसे आए ना सवेरे नाश्ता में तो दूध आवले तो लोग हल्दी डाल के भी पी ले अब जेकर इच्छा लगल पी बे जेकर इच्छा नहीं के तो पानी में ईश्वर एगो हम बनेले बड़ी एगो एगो खाई ले गुर्जा ना होले सु गुर्जा कौन चीज गुर्जो ना होले गिलोई 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 खाई ले हमने के दो टाइम कबो एक टाइम कबो दो टाइम गिलोई दे रेगुलर ध्यान भूखे पेटे में रेगुलर जब से यार भाई तब से किलो ही खा रहा है और गुर्जो ओकरा के हमने के कह जाले आ हम एगो पाउडर बनेले बड़ी जौन पाउडर में बस और अपने के इलायची लवंग सुकमिर धनिया जीरा मरीच तेजपत्ता ओकरा बाद में और एगो आवले मीठ मीठ लागले पतवा ओकरा के दालचीनी पाउडर बनेले बड़ी सर पाउडर के का करले खूब खौला के दिन में दो टाइम तीन टाइम अच्छा एक बार बहुत बढ़िया चीज बताओ तनी लाइची लौंग दालचीनी और कथी कथी कहनी है लवंग लाइची सुकमेल ओकरा बाद में सुपारी ओकरा बाद में बेसा धनिया तेजपत्ता ओकरा बाद में मरीच लवंग सब मिला के ओकरा के पिसवा के कोना चीज से एकरा के पिसवाइले बानी मतलब मशीन में होला तो ने मशीन में ना जी मशीन में पिसवाले बड़ी मशीन में पिसार भाई एसी में न पिसाई अपने के ये तो अब अपने पाउडर बनवा के अपना पास में ले गइल बानी ना जी ले आल बानी तो एकरा के लेखा अपने गाढ़ा बना के पीनी की जी ओमे हल्का आधा चम्मच से तैका ले कमे ध के 1 लीटर पानी में एकदम खौला के खौला के अपन गिलास में ध के ऊपर से आवश्यकता अनुसार नून नून पीले ओकरा बाद में नून ध के ओकरा के पी सकिले दिन में 3 बेर 4 अपने कितना बेर पियनी गरम गरम एकदम हम अभी जब से हमरा कोरोना पॉजिटिव आयल नहीं के आवे के सवाल नहीं उससे पहले भी हम शंकास्पद रही हमरा मन में जो शंका रहे की हो सकले की हम कोरोना बाड़ी तब से हम गरम पानी पीले बाड़ी अभी तक ठंडा पानी मतलब जब पियनी तब गरम करिए के पानी पीनी गरम पानी लगभग कितना कितना देर के बाद में आधा घंटा एक घंटा निरंतर पियते रहने की अपना शरीर के बुझाए होती कोनी पी लियो ना कोनो अच्छा जैसे जनरल दिन में अपने पानी पियनी वो सही पिए के बाड़े एमे कोनो दोसर लेकिन जब पिए तानी तब गरम करके लगभग 4-5 या 6-7 बेर दिन भर में जितना बेर पानी पियल जाला 6-7 बेर अनुमान लगा लू 4 लीटर 4 लीटर जितना गरम पानी 4 लीटर जितना अपने रोज पियनी रोज हाँ रेगुलर चलिए बहुत बढ़िया आपने बता रहा बानी अपने को पेशेंट बानी आ करीब से सब अनुभव अपने ले हतनी सभी जानते हैं कि अपने बताओ तनी एक बार हम अपने के बात करें सर लोग में एक होते हम ना कहिए कि वे बूढ़ पुरानिया जो बीमारी के हिसाब से बा ओकरा के डर बा बुझलिए लेकिन हमनी के जैसे एज जैसे भेल अपने की एज कितना बा सर हमार बागे 34-35 वर्ष सर 34-35 वर्ष के बनी जी जी तो ओमे कोनो दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं के एकरा के बड़का भयावह रूप में न लिया लेकिन हाँ अपना से सचेत रह जरूरी बा अब वो आएगो तो होए के ना चाहिए अगर हो गए तो एकरा के घर में रह के भी आराम से अब हम खैर तो कोनो पार्टी के समर्थन न है लेकिन जी जी हम के प्रधानमंत्री पहले बानी की बेसार पानी समी के भगा दे जी 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 जी
हमनी लग पैसा बचा कोनो संस्था बा हमनी के सहयोग कलक तो ठीक बा हमनी के अपना हिसाब से भाग गेल अगर जौना आदमी लग पैसा नहीं है तो ओकरा तो समस्या हो जाए। जी 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 सरकारी काम में तो था है कि हाँ कौन पैसा नौकर ले आराम से एक लगे रेगुलर रूप में बेसार पानी अदुआ लहसुन मिला के अगर पिए तो हमारे हिसाब से अदुओ पानी से भी जा सकल। अदुआ लहसुन जी बहुत बढ़िया आपने बताइए सर। अब तनका अपने के वार्ड के बारे में हम जानने के चाहे कितना लोग रह बनी लगभग 50-60 आदमी जितना वार्ड में। जी 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 पूरा हॉस्पिटल में आइसोलेशन में जी सर 50-60 इतना जितना लोग बनी वहाँ पर टॉयलेट के क्या अवस्था बा सर सफाई के क्या अवस्था बा एक बारे में कुछ जानकारी कराइए अपने। अब हमने जब भीतर रही थी तो सर सफाई अपने आप करेगी मतलब अपने से करत जी अपने से मतलब सर सफाई करत जी अपने हर एक रूम में एगो झाड़ू मिली हर एक रूम में अपने जोना रूम में बनी वो रूम में कितना आदमी बनी लगभग 2 आदमी बनी सर लगभग 8 फीट के डिस्टेंस। कितना के रूम बटे एगो रूम में 2 आदमी 3 आदमी 8 फीट 7 फीट 5 फीट के दूरी दूरी पर तो मतलब बढ़िया से सब लोग ओकरा के सर सफाई अपने में रोग लोग कर लेता नी ना। हां अपने में अपन हर एक रूम में एगो झाड़ू बाथरूम बैठे सर जोन टॉयलेट अपने प्रयोग करेनी उ टॉयलेट में कितना लोग प्रयोग करता वो टॉयलेट मात्र 2 आदमी टॉयलेट अपने से साफ ओकरा के भी करतनी बढ़िया से राखतनी। चलिए और भी कोनो ऐसा चीज हमरा पूछे में छूट गई होके और बतावे के चाहतनी ऐसा कुछ बा अपने के पास जो जनता के खातिर लाभदायकारी हो कि बता सकतनी अपने। ऐसे तो अब हम कथी कहीं सर एक गए तो खर बीमारी हो गए ना कहीं हो गए ऐसे अब उतारो जरूरी नहीं है ऐसे को अब हमारा समस्या हो जाए कि हम मरिए जाएंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे हम सर अपने के अपने के रिक्वेस्ट करनी है और अपने के परिचय हाइड करके भी हम जनता के खातिर कुछ लाभदायकारी आज के एपिसोड होखो जनता के खातिर हमने के आज के कार्यक्रम लेके आनी अपने के माध्यम से अपने के अनुभव और अपने के प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट जो अभी अपने उपचार रत बानी एक बारे में जानकारी करनी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरों अपने के PCR टेस्ट कब होखे वाला बटे आज करनी है एक रिपोर्ट 2 दिन में आई। चलिए शुभकामना बा अपने के अपने बहुत जल्द निगेटिव होके आई और फिर से अपने जनता के सेवा कैले बानी फिर से जनता के सेवा करी। धन्यवाद जी धन्यवाद नमस्कार सर। जी सर नमस्कार नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र अभी हमनी के वीरगंज में नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल के बहुत ऐसा सहायक अस्पताल और यहाँ के का धर्मशाला सबके भी आइसोलेशन बनावल गई बाटे अपने के जानकारी होगी लगभग 400 के हरा हरी में लोग अस्पताल में बानी बाकी 600 के जितना अपने के समाज में अपना अपना होम आइसोलेट करके रह रहा बानी अपना अपना घर में आइसोलेशन बना के पॉजिटिव वाला लोग भी रहता नहीं उ लोग से हमनी के बहुत घृणा बा हमनी के डर बा हमनी के का डर बा हमनी से बहुत ज़्यादा डर था यहाँ के डॉक्टर लोग के बा अपने एगो पेशेंट के आवाज़ सुननी है अपने यहाँ के अपना घर पर रहनी तो बतैनी है कि पारासीटामोल डोलोपान यूरिसेफ आ बी कॉम्प्लेक्स खाई लेकिन जब से आइसोलेशन में गई बानी तब से कुछ नहीं के खैले सिर्फ खाना खैनी एक बार हम बता दी यहाँ के जति जति बनैनी हम समराइज करके अपने सबके बताबे के चाहे सारांश में यहाँ के सुबह अपने के जानकारी कराई 8 गते के दिने यहाँ के लक्षण देखाई दिलक बुखार लागे के मूर दुखे के सही सर्दी होके के लक्षण देखाई पड़ल 13 गते के यहाँ के PCR टेस्ट करेनी 17 गते के रिजल्ट आयल और रिजल्ट में पॉजिटिव रहे 18 गते के डॉक्टर के फोन गई और आइसोलेशन में यहाँ के भरना हो गई ओकरा बाद में अभी तक आज 28 गते हो गई 11 दिन में एक बार भी डॉक्टर के फोन नहीं के गई और यहाँ के जरूरी भी ना पड़ल कि डॉक्टर के हम फोन करी लेकिन 6 बजे उठेनी आइसोलेशन में सुबह 6 बजे उठेनी 30-45 मिनट तक व्यायाम करेनी कसरत करेनी सुबह ओकरा बाद में नहा लेवेनी नहा धोवा के 8-8:30 बजे नाश्ता खाएनी नाश्ता में दूध रोटी केरा अंडा सब्जी कबो परोर ये हमनी के बदल बदल के खाएनी वैसा ही सब्जी यहाँ के
8:30 बजे नाश्ता हो जाला, ओकरा बाद में 12-12:30 बजे खाना मिलेला। खाना में दाल भात तरकारी जनरल खाना, ओ में मांस कबो मुर्गा के कबो खसी के यहाँ के बतैनी है ऐसे खाए के बटे। ओकरा बाद में 12-12:30 बजे खाना भैया के बाद में रेस्ट करेनी सुत जानी। 4 बजे फिर से यहाँ के नाश्ता मिलेला, 4-4:30 बजे जौना में 2 गो केरा 2 गो सेव 1 गो अनार होला और नाश्ता खा के। ओकरा बाद फिर 8:00 बजे खाना मिलेला, खाना जनरल खाना दाल भात तरकारी, ओ में मांस रहेला 1-2 दिन दुनिया अपरा के, मतलब 1-2 दिन आतरा आतरा के बिरा के, कबो खसी के मासू कबो चिकन मुर्गा के मासू ऐसे वहाँ के। 10 बजे रात के सूत जानी, दिनचर्या ऐसे बीता था। और पानी गर्म करके पीनी, जितना बेर दिन भर में पानी पियल जाला वहाँ के बताओ तानी कि अरुण जी हम हर हमेशा पानी गर्म कर करके पियत रहनी, 4 लीटर जितना दिन में वहाँ के पानी पीनी गर्म करके। और ओकरा बाद में अपना से नाश्ता के बारे में बतैनी वहाँ के, अपना से केहू सुबह में उठ के कथी कहल जाला चना के खाइल जाला वो हिसाब से, लेकिन ये जनरल खाना के शेड्यूल ई हम बता देनी। वैसा ही काढ़ा बना के पिए के जौन बात बाटे, जौना में अदुआ लहसुन ओकरा बाद में हल्दी लाइची लौंग दालचीनी सुकमेल सुपारी बेसार धनिया यहाँ के ई कहता नहीं कि ओकरा के हमनी के का कहल जाला पिसवा के मैदा नियर बना देले बनी, पाउडर बना देले बनी, और पाउडर के पानी में डाल के आधा चम्मच जितना डालेनी 1 लीटर पानी में खौला देवेनी और दिन भर में 2-3 बेर ओकरा के पियनी। ऐसे कोई नहीं यहाँ के सर्दी बुखार सब ठीक हो गई, यहाँ के अब रिकवर होके वाला अवस्था में आज वहाँ के दोबारा बार PCR टेस्ट भइल बा और यहाँ के विश्वास बा कि हम निगेटिव बानी कह के पहले से। हमनी के भी शुभकामना बा कि अपने जल्दी निगेटिव हो जाए, और यहाँ के परिवार के लोग के भी ऐसन के लक्षण सब दिखाई पड़त रहे वहाँ लोग के। अभी तक हमनी के नेपाल सरकार PCR टेस्ट तक भी नहीं कैले, वहाँ के घरपटी लोग भी पॉजिटिव बानी, बहुत लोग के अभी टेस्ट नहीं किया भाई, लेकिन लक्षण दिखाई पड़ता तो यहाँ के सिखावता नहीं कि अपने लोग भी ऐसे करी। बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे सर अपने के माध्यम से आज आइसोलेशन वार्ड के बारे में जानकारी भइल। और जनता सुनी ही अपने तो अपने से फोन करी 98-03-65-03 के माध्यम से जनता से संक्षिप्त बात करें। कोरोना से डरे के नहीं है, सावधानी अपनावे के बाटे हर हमेशा हम इतने कहते आइल बानी। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। धन्यवाद अपने FM सब परिवार के धन्यवाद। शिव नारायण सर, कब से कार्यक्रम सुनता नहीं अपने? कार्यक्रम तो अपने के शुरू से आज सुन रहा बानी, दो तीन गो इशू में अपने आज बात कहले बानी, बहुत अच्छा। जी जी, क्या कहे के चाहे सर आज फर्स्ट कॉलर के रूप में अपने बानी? सबसे पहले तो ही जौन एगो नगर पालिका के अपने के प्रदेश नंबर 2 के सिराहा के साथ बात कहनी है। जी जी, सिराहा नगर पालिका के, सिराहा नगर पालिका के वहाँ के CDO साहब के बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहें जी, वहाँ के वो ईशन नगर पालिका से सूचना के हक बमोजिम वहाँ के खर्च के विवरण मांगले बानी। तो ये मधेश में देखा जाता जब सिरा के हाल हुआ इसमें 8 जिला प्रदेश नंबर 2 में बात तो करीब 10% ऊपर और नीचा सारा नगर पालिका महानगर पालिका या गाँव पालिका में यही भ्रष्टाचार भइल बा के हमनी के अभी महसूस हो रहा बा। ऐसे ही सिंह दरबार के अधिकार जब अपने के स्थानीय तौर में आये तक का भ्रष्टाचार करे खातिर आई जन प्रतिनिधि लोग से आज पूछे के समय आविल बा, जनता के पूछे के पड़ी आ ना तो केंद्र सरकार तो शुरू करी ओकर ऑपरेशन शुरू करी और सारा लोग के हमारा आवे वाला दिन में लागत आज ये लोग भ्रष्टाचारी में जाई, ये लोग के भ्रष्टाचार साबित हो के रही काहे से तो देश में कानून बा लेट हुई लेकिन ये लोग के भ्रष्टाचारी में फंसी लोग अपने 2900 के एगो बेड के खोल कहनी है, 8000 के ताना कहनी है और 20,02,927 रुपया के मास्क बांटे। अब वहाँ के जनसंख्या कितना बा जो उतना मास्क ही लोग बांट दिलक, आ वहाँ के जनता से पूछल जाता तो मास्क मिल रही नहीं है,
साबुन मिल नहीं थे, ताना होले नहीं थे, ये क्वारंटाइन के ताना हुई हमारा लागत जेंगे ये लोग बिल बना के आ सारा भ्रष्टाचार कैले बा। तो प्रदेश नंबर दू में इन मधेसी कम्युनिटी के हमने के भ्रष्टाचारी के रूप में ये लोग नेपाल देश में प्रख्यात कैले बा, प्रसिद्ध कैले बा, उसे ये लोग बड़ी कड़ा से कड़ा सजाए होके के चाहे जी। और वीरगंज के जनता के भी जागे के परल परसा बारा रौतहट के जनता के भी एक बारे में अगर संबंधित निकाय चुकता तो यहाँ लोग के भी एक छानबीन के खातिर एक हिसाब मांगे के परल। हाँ यदि यहाँ के सीडीओ लोग भी मांग करो, केंद्र के कर्मचारी बा, वो जिला के मालिक बा, मान ली जनता तो प्रदेश नंबर दो में उतना सुसूचित नहीं थे, कैसे से तो ओपन बॉर्डर के चलते वो तस्करी में या खाए पिए में आजादी बा, ओकरा देश से और ये अपने के गांव पालिका से नगर पालिका से उतना मतलब नहीं के, उसे यहाँ के कम अधिकार प्राप्त अधिकारी बात है, एकरा के अपने के छानबीन करो। और सीडीओ साहब लोग जे सुनत हुई तो वहाँ लोग सूचना के हक बमोजिम हरेक गांव पालिका नगर पालिका से ही डाटा मंगाओ लोग और देखे लोग उचित यदि खर्च बा ठीक बा, नहीं है तो लोग पर जन प्रतिनिधि जो अधिकार प्राप्त अधिकारी खर्च कैले बा ओकरा पर कार्रवाई होके से पड़ी। इसका कोनो देश में 2900 के बेड नहीं के राजा महाराजा के 8000 के तोने ना होई सर बेड ना उ सिरहनी के खोला ना सिरहनी के खोला होला उ सिरहनी के खोल जेकरा के कहनी हमनी के हां सिरहनी के खोल के 2900 रुपया चांदी के खोल बना के लगा देलक लोग की सोना के जलप लगा के खोल लगा देलक लोग जोन की 50-60 रुपया में खोल मिली बढ़िया अपने के क्वारंटाइन में रखे खातिर रख ले हुई। इसे अपने के यहाँ भ्रष्टाचार एकदम ज्यादा भइल बा दू नंबर प्रदेश में, एक छानबीन होके के चाहिए जी। धन्यवाद सर, नमस्कार। दूसर बात अपने के एगो कोरोना के मरीज के इंटरव्यू एगो लेनी है कोनो क्वारंटाइन आइसोलेशन वार्ड से, हमरा लागत था कि वो मरीज अपने के स्वास्थ्य कर्मी हुई हन जे यहाँ प्रश्न अपन बात रख लो सर। स्वास्थ्य कर्मी नहीं की वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी नहीं की सर वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी वहाँ के बारे में हमने के डिटेल सब कुछ जानकारी बांटे लेकिन वहाँ के हमनी के अब का बाटे कि मीडिया पर हर केहू हर चीज नहीं बोल सक तनका ये समस्या बाटे जोना कारण से वहाँ के अपन हाइड रखनी है परिचय, फिर भी वहाँ से हमनी के सब चीज जाने के परिचय प्रयास करनी है सर। आइसोलेशन वार्ड के अपने के परिचय हमनी के आदमी से मिलल है, ऐसे हम धन्यवाद देम सरकार के, केंद्र सरकारों को, प्रदेश सरकारों को, स्थानीय सरकारों को, जोन सरकारी व्यवस्थापन कैले बा खाना पीना के ओकरा के हमनी के धन्यवाद देवे के पड़ल। और जनता के हम ये कहम जे देखी कोरोना में एगो लक्षण विहीन कोरोना बा एगो लक्षण सर अपने के एगो चीज जानकारी करा दी अपने के वहाँ के सरकार नहीं के बल्कि एगो सानो पगला खो के संस्था बाटे इतना कमती में आउट कर देता नहीं। अब सानो पगला संस्था के सहयोग वाला खाना के बारे में बतानी है के सानो पगला संस्था के एकदम मुड़ी मुड़ी धन्यवाद देवे के पड़ी और जनता के कम से कम वो खाना पीना खिया रहा बा पोषण डाइट है पोषण वाला अपने के खाना एकदम हमें जरूरी चाहिए। वायरस में तीन किस्म के खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और मिनरल विटामिन जो हमने के वो पेशेंट लोग के मिलता है एक खातिर अपने के धन्यवाद बा। और जितना लोग एकदम सुनता रही अपने कोरोना से मत डराई मानसिक रूप में चिंता मत करी कोरोना अपने के कोनो एगो बीमारी नहीं के ही अपने के डर के चलते अपने के 20 किस्म के बीमारी पैदा हो जाला अपने के दिमाग में ओकरा के चलते हमने के मौत थोड़ा ज्यादा हो रहा बा। जी 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 दुर्भाग्य बा जे कोरोना मरीज के नाम पर आम जनता के चेक नहीं के हो वो चेक के व्यवस्था स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एकदम नितांत जरूरी बा जे वो कराओ जनता के बचाओ। इसे हम का कहम जे हरेक जनता लोग कोरोना से डरे के जरूरी नहीं के और कम से कम वीरगंज के लॉकडाउन निषेधाज्ञा भाई जल्दी खोलो सिस्टम में खोलो और बैंक वित्तीय संस्था खोलो जनता के बहुत दिक्कत हो रहा बा कहीं प्रशासन लोग एकरा के एरिया करी तो जनता माने ना जाए जनता रोड पर आई और सीडीओ और सहायक सीडीओ लोग के आज न्यूज आई अपने के एफएम से जो सरुआ हो गए और कहीं ऐसे बढ़िया ये लोग कहीं ना कहीं असक्षम बा काम में अपने के सहायक सीडीओ ललित बसनेत जी के ललितपुर में सरुआ भइल ह और मंत्रालय में सीडीओ साहब के अपने सबके जानकारी करा दी। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।
आदरणीय श्रोता मित्र भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से एमे सबसे ज्यादा केहू डरतानी डॉक्टर लोग डरतानी जेकरा कारण से यहाँ पर अधिकांश लोग के मृत्यु हम हर हमेशा रेडियो के माध्यम से आवाज उठावते आइल बानी डॉक्टर साहब लोग आइसोलेशन वार्ड सब में या कोविड अस्पताल में काथी चेक करतनी वहाँ पर कैमरा लागे के पड़ल सीसीटीवी कैमरा लागे के पड़ल टीवी पर चाहे लाइव होके के पड़ल फेसबुक पर लाइव होके के पड़ल यूट्यूब पर लाइव होके के पड़ल ताकि जनता के सही जानकारी होके। आदरणीय श्रोता अगला कॉलर से बात करें नमस्कार माफ करें केहू श्रोता रहनी है फोन कट गई बाटे कुछ देर अपने होल्ड में रहें अब हमनी के विदा मांगे के समय हो चुकल बाटे लास्ट कॉलर से बात करें और आज के कार्यक्रम से विदा मांगे नमस्कार। नमस्कार स्वागत बा सर कार्यक्रम में कहाँ से के बोलत नहीं अपने सर अपने के भी स्वागत अपने के टेक पटना का स्वागत संपूर्ण भोजपुरी रेडियो सुनने वाला श्रोता गण लोग का स्वागत कब से कार्यक्रम जी जी नाम पंडित पल का वार्ड नंबर 5 भिजवा सर का कहे के चाहे संक्षिप्त विचार कब से कार्यक्रम सुनत नहीं सर अपने सुनने से सुनत नहीं सर आज के कार्यक्रम कैसन लागल बुझाता कुछ फायदा भइल बा जैसन कार्यक्रम सुनला के बाद में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम बा अपने पूरा खुलासा कर देने की के मधेश्वर मधेसी के लूट रहा बोलो मधेसी लोग मधेसे से जीत के गई आ मधेसे से जीत के गई लोग के मधेश्वर मधेसी के लूट रहा बोलो पूरा पर्दाफाश कनी 2800 के तकिया के खोल आज तले तो कहीं ना रख हुए 8000 का ही बेडशीट गजब लुटाई हो रहा बा तबे ने सॉरी सारा पैसा रोड नाला विकास में चलता लो अपने लोग के भी आवाज उठावे के पड़ी एकरे हारा हारी में सभी नगर प्रमुख लोग बिल भाउचर बना के पेश कैले बानी एकरा आवाज ना उठाए पारदर्शी ना करवाए तब तक ऐसे ही लूटत रही लोग सब लोग बॉर्डर पर क्या वैसन के नहीं छे हमने वैसन जनता बा जौन की बिना तलब के अपन पैसा लगा के अपन खर्चा लगा के आ जनता के रात दिन सुख पहुंचाओ तो वाला जहाँ गलत होला वहाँ विरोध कर तो यही से दरुआ के रुआ सामाजिक अभियंता में तो अपने के यही से लोग परिचित बानु अपने के परिचय सामाजिक अभियंता के साथ जुड़ल बानु सर धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार हमनी के साथ में रहनी है छिपहर माई गाँव पालिका से नमस्कार। नमस्ते नमस्कार प्रणाम सर जी स्वागत बा कार्यक्रम में सर अपने के परिचय बतावल जा सर हम रंजीत महतो कन्ना डुमरिया पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला बिहार से बोल रहल बानी आरजे अरुण सर जी रंजीत महतो जी बिहार वासी कार्यक्रम सुनतानी एकदम शुरू से सुन रहल बानी आ राउर प्रोग्राम जोन आवलनु उ हम कहतानी कि एफएम के माध्यम से जहाँ तक ले सुनाए ऑनलाइन के माध्यम से फेसबुक से सब जगह सुन रहल बानी मित्र दोस्त लोग आप बहुत जगह से मगर राउर कमेंट भी आ रहल बा कमेंट भी हम देखत नहीं है लाइव प्रोग्राम भी देख रहल नहीं है आ रेडियो से भी सुन रहल बानी सर तो आज आज कोरोना वायरस से डरे के नहीं के सावधानी अपना के खान पीन पर ध्यान देवे के बाटे एगो हमनी के संक्रमित व्यक्ति से बात करत रहनी है सुनिए उनके सभी बात विचार के लेके उनके काथी करनी हाँ सुनिए सर एकदम बढ़िया से भी सुननी आप पूरा प्रोग्राम सुननी और ये वो बात के रखे के चाहे सर समय कम बटे यानी के बीता तो जी 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 राहुल लेव के टाइम पहले ही हो गए मिनट पहले जी 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 पहले हम ही कहे के चाहे सर कि हम एगो सिलाई लाइन के आदमी है और अभी हम 30 बरस से सिलाई लाइन यानी के कपड़ा के काम कर रहा बानी दर्जी है मास्टर है और 47 बरस के उम्र में अभी तक ले मगर 2800 रुपया के तकिया चाहे वो नया से बना देवल जाए खोल ऊपर लगा देवल जाए कुछो में हुर देवल जाए कोनो रुई तौन भी नहीं के आज तक ले बनल 8000 के बेड अभी तक ले बेड वो ना बिछाव जला ताना ताना अभी नहीं के हम नहीं की देखे सका ताना के मतलब जाजिम होला जाजिम हमनी के गांव घर में कहनी वाह रे नेताजी लोग वाह रे लूटे के मगर हिसाब किताब आवारे जोन मर रहल बानी आज जनता आई छटपटा रहल बानी आई दू गो चार गो पांच गो सात गो लड़का लेके जे जनता मर रहल बानी घर में कोई फांसी लगा के मरतनी कोई भूखे मरतनी आ कोई टुकर टापर होके मरतनी आउ ननी ननी ना ना तो पहले रउवा लोग हिसाब मांगी अपना अपना मेयर लोग से अपना अपना गांव पालिका से नगर पालिका से हिसाब मांगी जनता को हिसाब कर दी जनता हिसाब करी
संबंधित निकाय अगर हिसाब नहीं खे करत एक हिसाब जनता जरूर करी। जनता पहले के नियम नहीं खे, जनता में बहुत बदलाव आइल बा, जनता खाला सभी नेता के, लेकिन सोच समझ के वोट देवे ला। एगो बात याद रखे अपने सबके हम कहें, इहे तो हम रिपेस्ट निहोरा करे के चाहतानी दीदी बहन दाजू भाई लोग से दोनों हाथ जोड़ के कि रउआ लोगन भोजपुरिया एफएम सुन रहल बानी त सिर्फ सुन के एकरा के खाली मगर टाइम पास ना करी। आरजे अरुण सर जितना भोजपुरिया एफएम से एबरा स्पष्ट कइले बानी आ जौन चीज बता देले बानी वो चीज के खोजी लोगन। आज हउ 5 साल 6 साल के लड़का रोड में चलल जाता है तो कहत है अंकल जी भूखे बानी, हमार पापा जी भूखे बाड़न, घर में बाड़न भूखे सुतल बाड़न, तनका सोची लो सर। काल के बात बा, एगो लड़का के मौत हो गई, वहाँ के हमरा से सहयोग मंगनी और इतना पछतावा हो रहा बाटे, जिंदगी में पहला बार उतना पछतावा। रात 3 बजे तक हम नहीं की सुतल लड़का के बारे में सोच सोच के, परसुआ 9 बजे रात के सहयोग मांगनी, लेकिन जब ही हमरा से सहयोग मांगनी कुछ हम भी पहल कैनी। वहाँ पर डॉक्टर दू गो एगो गईनी, पीपी सेट बेचारा गरीब आदमी से किनबैनी, 2 गो पीपी सेट, और जाके स्वेब संकलन कैनी वहाँ के NMC हो अस्पताल में, नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। बुर्बक आदमी, गांव के सीधा सपात आदमी, वहाँ के लागल डॉक्टर साहब आए हमारे लड़के के इलाज करी अब, लेकिन वहाँ के PCR टेस्ट करे के खातिर स्वेब खींचा के गुल रहे। बिहान खून 10 बजे कहनी जाके ले आब स्वेब अपन रिपोर्ट काथी बाटे, रिपोर्ट देखल जाए वहाँ के, गईनी रिपोर्ट ले आबे, पता चलल फोन आयल वहाँ के मोबाइल पर लड़का मर गई। 3 बजे रिपोर्ट आयल, निगेटिव रिपोर्ट बाटे, लेकिन लड़का 10 बजे मर गई रहे सर। ऐसा अवस्था बा देश के समस्या के नहीं समझल जाई, के नहीं मगर बुझल जाई, और के नहीं लोग कर रहल बानी भाई 14 दिन से, और 12 दिन में मगर ना कहल जाला कि सांसद लोग ठीक हो जाता नहीं घरे में बैठल बैठल, आज जनता लोग 14 दिन हो कहनी है कि हम घर में हॉस्पिटल में रहनी, आ घर में उतना आदमी रहनी, आ जेंगे जेंगे बतैनी ओंगे हो गई नहीं। नमस्कार आदरणीय श्रोता, अपने सबके जानकारी करावे के चाहे, नेपाल में लगभग 4-5 महीना होके लागल बाटे लॉकडाउन के, बहुत बजट आयल बाटे नेपाल में, ई कोरोना वायरस के कारण से नेपाल प्रभावित बा कह के ADB 450 मिलियन डॉलर देहले बाटे सहयोग, जापान से पैसा आइल बा, ओकरा बाद में वर्ल्ड बैंक से आइल बाटे 200 केतना केतना, सब हम लिख ले बानी लेकिन अब समय ओढ़ा गई बाटे, यही से अरबों रुपया सहयोग मिलल बाटे। अब तो अब आदमी मरता नेपाल में, अब सोची कितना सहयोग आई। आदरणीय श्रोता कार्यक्रम सुन के साथ दानी इस्तेकर जी धन्यवाद बा अपने के, वैसा ही धनंजय गुप्ता जी धन्यवाद, वैसा ही अनिल चौहान जी नमस्ते दे लिखतनी धन्यवाद, रमाकांत शाह जी अपने के भी धन्यवाद, अरुण श्रीवास्तव जी धन्यवाद, शंभु कुमार राज जी अपने के भी धन्यवाद, आरजे दीवाना चंदन जी अपने के भी धन्यवाद बाटे आरजे जी, रंजीत महतो जी धन्यवाद, वैसा ही खली यादव जी धन्यवाद, MD कौशल जी धन्यवाद। सभी श्रोता लोग ई कार्यक्रम के शेयर कर देम और अपना अपना परिवारजन अपना अपना गांव समाज में कार्यक्रम के हो सके तो बिहान स्पीकर में बजावे के प्रयास करें। फेसबुक पर कार्यक्रम बा, यूट्यूब पर भी आरजे अरुण यादव यूट्यूब पेज पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम मिल जाए, जौना भी माध्यम से ले करके कार्यक्रम सभी जनता नहीं के सुनत, ये चीज़ हम मानता नहीं, अपने के गाँव के बहुत लोग बानी, हर लोग रेडियो ना सुनेनी, लेकिन गांव में मस्त मंदिर मस्जिद बाटे, वहाँ पर अगर ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के रहुआ रेडियो के माध्यम से सुनावता नहीं तो जे लोग घास काटत तो कोई ऊ हो, भैंसी दुहत हो ऊ हो, गाय के मल खेत में मल खाद छिटत हो ऊ हो, सोहनी करत हो ऊ हो, हर केहू सुन ली, हर केहू के कोरोना वायरस से डर खत्म हो कि और जीते के परी, हमनी के सावधानी अपनावे के परी, पानी गर्म करके पी, घर से बाहर मत निकली, खेती के समय बा, खेती करतानी निर्धक करी, डर नहीं के कोरोना के, दूरिया बना के रहें, अपना घर में रहतनी कितनों दूरिया बनाएम तो घर में तो एकला रही के बटे, अन्य अन्य व्यक्ति से दूरिया बना के रहें, बाजार जातानी कोनो सामान किने के खातिर दाल चाउर तरकारी किने के पड़ी, मास्क प्रयोग करके घर से बाहर निकली, बस इतना काम करी कोरोना वायरस से जीत जाए अपने। धन्यवाद नमस्कार। अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरी FM 92.8।
मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल। एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समूच